नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूं आपके लिए कमाल का टिप्स एंड ट्रिक्स, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हमारे आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब होने के बाद बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे अगली आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप या पीसी के डेस्कटॉप वॉलपेपर के जगह पर किसी वीडियो को कैसे लगा पाएंगे। उस वीडियो में आपका कोई मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है, कोई सॉन्ग्स हो सकता है या कोई मूवीज हो सकता है, कुछ भी आप अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर के जगह पर लगा सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, आप इसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा हूँ, आप वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके इसके साइट पर जा सकते हैं। इसके लिए हम इसके लिंक को कॉपी करते हैं और ब्राउजर पर चलते हैं। विंडोज 7 ड्रीम सीन एक्टिवेटर रिलीज, इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना होगा। बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकेंगे। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, इसलिए इसको स्किप करता हूँ। डाउनलोड होने के बाद इस टाइप का जिप फाइल में आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा W7DSA के नाम से। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से एक्सट्रैक्ट, ओके। देखिए, आपको ये फोल्डर मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके खोलिए। फिर यहाँ पर दोबारा से इसको एक्सट्रैक्ट कीजिए। ये रहा आपका सॉफ्टवेयर, क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखेंगे कोई सेटअप नज़र नहीं आएगा आपको, तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है चेंज फाइल एक्सटेंशन, कैसे चेंज करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि लास्ट में जो है फाइल नेम में .chn के जगह पर .exe ऐड करके रीनेम कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये है, तो यहाँ पर लास्ट में chn के जगह पर exe करके इंटर करेंगे, यस कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर सेटअप फाइल रेडी हो गई। अब आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और यहाँ से अनेबल ड्रीम सीन कर दीजिए। अनेबल करने के बाद आप देखेंगे अनेबल हो चुका है। अनेबल होने के बाद जो भी आपको वीडियो लगाना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि उस वीडियो का फॉर्मेट MPG या फिर WMV होना चाहिए, तभी जा करके वो डेस्कटॉप पर प्ले होगी। तो नॉर्मल अगर कैमरे से रिकॉर्डेड वीडियो है या फिर आपके मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप उसको जाकर के किसी भी फॉर्मेट सॉफ्टवेयर से फॉर्मेट कर लीजिए। जैसे अभी हमारे पास FF फैक्ट्री है, तो आप फॉर्मेट फैक्ट्री से देखिए कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। आप यहाँ से नीचे आएंगे तो इसमें आपको देखिए यहाँ पर मिल गया ऑल टू WMV, आप इसमें कन्वर्ट कर लीजिए यहाँ से ऐड करके। और हमें मान लीजिए इस वीडियो को कन्वर्ट करना है, ओके। ये छोटी सी वीडियो है, मोबाइल से रिकॉर्डेड वीडियो है किसी मैरिज का, उसको हम डेस्कटॉप पे लगा करके देखेंगे। डेस्कटॉप पर हमेशा प्ले होती रहेगी, ऊपर कोई भी वर्क करेंगे वीडियो पर कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो आराम से बैक साइड में प्ले होती रहेगी। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार फीचर है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग डेस्कटॉप बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप को कोई अच्छी सी वीडियो लगा करके। तो देख सकते हैं कम्प्लीट हो गया है, आप इसको कहीं भी रख करके प्ले कर सकते हैं। अभी मैं दिखाने के लिए डेस्कटॉप पर रख रहा हूँ, रीनेम कर देता हूँ इसका, WMV फाइल है ये। दोस्तों, बस इतना ही प्रोसेस है, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस भी वीडियो को आपको डेस्कटॉप पर लगाना है आप उसको WMV में या फिर MPG में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद वीडियो पर राइट क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक और टूल जुड़ जाता है इसके राइट क्लिक में, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ये सॉफ्टवेयर इनेबल नहीं रहेगा तो ये टूल आपको दिखाई नहीं देगा। सॉफ्टवेयर इनेबल होने के बाद ये टूल्स दिखाई देने लगता है। आप यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे कि वो वीडियो आपके डेस्कटॉप पर प्ले हो रही है। आप ऊपर से कोई भी वर्क अपना आसानी से कर सकते हैं और बैक साइड में ये बैकग्राउंड पर आपका ये वीडियो प्ले होती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में कोई खास सीन अगर आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं कि उसे ही वॉलपेपर के रूप में ये वीडियो ना चल करके रुक जाए और वो वॉलपेपर परमानेंट सेट रहे इमेज के रूप में, जो भी सीन आपको सही लग रही है वहाँ पर आकर के आप उस विंडोज 7 ड्रीम सीन एक्टिवेटर के अंदर आकर के
आप उस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आकर के मान लीजिए ये क्लियर है, और जहाँ पर आपको सीन जो भी चाहिए वहाँ पर आकर के इसको डिसेबल कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि वो वीडियो बिल्कुल रुक गई है और आपको एक इमेज वॉलपेपर के रूप में डेस्कटॉप पर सेट हो गई है। जब नहीं चाहिए होगा तो आप वापस पर्सनलाइज में जा करके आप अपना वही डेस्कटॉप सेट कर दीजिए, वो हट जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एक से बढ़कर एक वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार एक से एक एक्साइटिंग वीडियो लाता रहूंगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस दो वीडियो को जरूर देखें। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।